हे हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। शोहिब अख्तर द रावल पिंडी एक्सप्रेस, उनके बायोग्राफी पर आज मैं रिएक्शन देने वाली हूँ। और ना मैंने बताया क्या किया कि एक महीने पहले वाला जो मेरा कमेंट सेक्शन था उसमें जाकर के मैं स्क्रॉल करने लगी तो इतने सारे कमेंट्स भरे हुए थे कि दीदी सुनो, शोहिब अख्तर की बायोग्राफी पर हमें चाहिए रिएक्शन। और मुझे इतना बुरा फील हो रहा था कि मैंने वो कॉमेंट्स तब रीड नहीं करे, बट आई वॉज लाइक कम ऑन, अपनी गलती मैं ही सुधारूंगी। And here I am with the video of Shoaib Akhtar. उनकी बायोग्राफी सुनने के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ बिकॉज ही हैव बिन थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन हिज लाइफ एंड आई वॉन्ट टू हियर इट, आई वॉन्ट टू गेट इंस्पायर्ड। मुझे मोटिवेट होना है, मुझे एक उत्तेजना के लिए एक वीडियो चाहिए था यार। सुनकर के ऐसी बायोग्राफीज आपको फील होता है कि कम ऑन, यू आर ऑल्सो फ्रॉम अ नॉर्मल फैमिली एंड यू नो यू हैव टू मेक इट, लाइक जीरो से हीरो आप बन सकते हो। Let's start this reaction video, but उससे पहले अगर आपने मुझे Instagram पर follow नहीं किया है तो follow, the link is given in the description. I hope you will love the comedy reels that I put there. वहाँ पे अपना ना मजाकिया content चलता है और मेरी comedy काफी सारे प्यारे प्यारे family members को पसंद आ रही है, तो क्या पता आप भी उनमें से एक family member है जिसको पसंद आ जाए। क्रिकेट उन चंद खेलों में से एक है जिसे न पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है बल्कि देखा भी जाता है। इस खेल ने दुनिया को कई बड़े नाम और सितारे दिए हैं और उन्हीं में से एक नाम है क्रिकेट में अपने रफ्तार के दहशत से दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों के दिलों में डर पैदा करने वाले शोएब अख्तर का। इस नाम को शायद ही कोई क्रिकेट प्रेमी नहीं जानता हो जिसने अपने 14 साल के क्रिकेट कैरियर में बड़े से बड़े बल्लेबाजों को धूल चटाई। तो आज बात करते हैं क्रिकेट की दुनिया के इस सितारे की ज़िंदगी के बारे में। शोएब अख्तर का जन्म 13 अगस्त 1975 को पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में हुआ था। उनके पिता एटॉक रिफाइनरी में एक प्लांट ऑपरेटर थे। शोएब अख्तर अपने माता पिता की 5वीं संतान है। उनसे ठीक बड़े यानी चौथे नंबर के भाई का नाम भी शोएब था, लेकिन 2 साल का होने से पहले ही बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई। क्योंकि शोएब की मां को ये नाम बहुत पसंद था इसलिए जब वो पैदा हुए तो उनका भी नाम शोएब रख दिया गया। शोएब बचपन में ठीक से चल पाने में भी असमर्थ थे क्योंकि उन्हें हड्डियों से संबंधित एक गंभीर बीमारी थी और इसके अलावा उनके पैर के तलवे भी फ्लैट थे। इस वजह से शुरुआत में चलना तो दूर, वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते थे। करीब 6 साल तक उन्हें चलने फिरने में बहुत दिक्कत आती थी। डॉक्टर्स के अनुसार इस बीमारी के शिकार लोग कभी स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकते क्योंकि इस बीमारी में भागना तो दूर की बात, चलना भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है। इसी दौरान 3 साल की उम्र में उन्हें काली खांसी की बीमारी भी हो गई थी। कई लोग कह चुके थे कि ये लड़का कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन शोएब की मां ने हिम्मत नहीं हारी और शोएब जब इस बीमारी से मुक्त हुए तो चलने की बजाय वो सीधे दौड़ने लगे। शोएब ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि उनका ताल्लुक एक गरीब घराने से है। उनके माता पिता और 4 बच्चों की फैमिली एक कमरे के आधे कच्चे मकान में रहा करती थी और एक बार तेज बारिश के कारण घर की छत गिर गई थी, तब पूरी रात परिवार ने किसी तरह खुद को बारिश से बचाया था और अगले दिन सभी ने मिलकर छत की मरम्मत की थी। और जब उन्होंने क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन की तब उन्हें अकेडमी तक जाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे और वह भागते हुए अकेडमी पहुंचा करते थे। एक किस्सा याद करते हुए शोएब ने बताया था कि जब वे पिंडी क्लब में रोजाना प्रैक्टिस के लिए जाया करते थे और लौटते वक्त रास्ते में एक गन्ने का जूस वाला होता था, क्योंकि मुझे गन्ने का जूस बहुत पसंद है पर मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि रोज़ जूस खरीद कर पी सकूं, तो मैंने उससे कहा भाईजान आप मेरे मित्र बन जाओ और मुझे रोज़ाना गन्ने का जूस पिलाया करो और जब मैं एक दिन स्टार बन जाऊंगा ना तब मैं तुम्हें एक नई मशीन खरीद कर दूंगा। धीरे धीरे उससे मेरी दोस्ती हो गई और उसने मुझसे एक दिन पूछा तुम सचमुच स्टार बन जाओगे ना, तब मैंने उससे कहा तुम मेरी आंखों में वो आग देख सकते हो। उसने मुझे 1.5 साल तक मुफ्त में गन्ने का जूस पिलाया और जब मैं स्टार बनकर लौटा और उससे मिलने उसके दुकान पर गया तो वो मुझे नहीं मिला। बाद में पता चला कि उसकी डेथ हो चुकी है। इसका मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैं उसके घर गया और उसके घर वालों से मिला और उन्हें नई दुकान बनवा कर दी। शोएब अख्तर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू टेस्ट नवंबर 1997 में
वेस्टइंडीज के खिलाफ ओपनिंग फास्ट बॉलर के तौर पर किया। उस समय उनकी उम्र केवल 22 साल की थी और उनकी आग उगलती तेज गेंदों ने वेस्टइंडीज टीम की हालत खराब कर दी थी और क्रिकेट की दुनिया को एक चमकता सितारा मिल गया था। मार्च 1998 में जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने इंटरनेशनल एक दिवसीय क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। उसके बाद शोएब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शोएब की गेंदबाजी को देखने के बाद न्यूजीलैंड के उस समय के कोच रहे जॉन राइट ने कहा था, ये लड़का बहुत जल्द क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम और मुकाम बना लेगा। और ऐसा ही हुआ। दुनिया के लिए उनका क्रिकेटर बनना और क्रिकेट की इतिहास की सबसे तेज गेंद फेंकना शायद एक कुदरत का करिश्मा ही है, पर शोएब को हमेशा खुद पर यकीन था कि वो एक दिन ऐसा जरूर कर लेंगे। सच में ये उनका जुनून ही था जो इतनी जटिल बीमारी को भी मात देकर उन्होंने अपने ख्वाब को पूरा किया और क्रिकेट की दुनिया में ऐसा बॉलर बनकर उभरा जिसने रफ्तार की जंग में सबको पीछे छोड़ दिया। समय के साथ साथ शोएब ने अपनी बॉलिंग के स्तर को और भी ऊंचा किया और जल्द ही उनकी तेज रफ्तार बाउंसर और यॉर्कर के सामने बड़े बड़े बल्लेबाज धराशायी होने लगे। एक जमाने में तेज गेंदबाज बिना हेलमेट के आने वाले बल्लेबाज को निशाना बनाते थे, पर शोएब ने तो हेलमेट पहनने बल्लेबाजों के भी चेहरे खून से लथपथ कर दिए। 1999 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचाने में शोएब का भी बड़ा योगदान रहा था। उन्होंने 10 इनिंग्स में 24.43 की एवरेज से 16 विकेट चटकाए और पाकिस्तान को फाइनल खेलने का मौका दिलाया। शोएब अख्तर ने 2003 के वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 161.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी और अपना ही 160 किलोमीटर प्रति घंटे के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वो विश्व के क्रिकेट इतिहास में पहले ऐसे बॉलर है जिन्होंने 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर की गेंद फेंकी है। शोएब का विवादों से भी चोली दामन का साथ रहा और इस हरकतों की वजह से उन्हें कई बार टीम से निकाला भी गया, पर उन्होंने हर बार अपने खेल से आलोचकों का मुंह बंद किया और टीम में जगह बनाते रहे। इंजरी और कंट्रोवर्सी से भरे अपने क्रिकेट करियर को उन्होंने वर्ष 2011 में ख़त्म करने की घोषणा की और 8 मार्च 2011 को इस शानदार गेंदबाज ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उन्हें इस बात का हमेशा अफसोस रहा कि वे विश्व कप 2011 के सेमीफाइनल मैच जो कि भारत के साथ था वो नहीं खेल पाए। उनका सपना था कि वो अपने आखिरी मैच में इतनी तेज गेंद फेंके जो कि उन्होंने भी कभी ना फेंकी हो, पर ये हो ना सका। उन्होंने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में 46 टेस्ट मैचों में 178 विकेट्स और 163 एकदिवसीय मैचों में 247 विकेट्स अपने खाते में डाले, जिसमें टेस्ट मैचों में एक पारी में 11 रन देकर 6 विकेट्स एवं एकदिवसीय मैचों में 16 रन देकर 6 विकेट्स उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। उन्होंने 25 जून 2014 को रुबाब खान से शादी कर ली और अब उनका एक बेटा भी है जिनका नाम उन्होंने मोहम्मद मिखाइल अली रखा है। ये तो सभी मानते हैं कि शोएब अख्तर बल्लेबाजों के लिए मैदान में एक आतंक से कम नहीं थे। उनके संन्यास की घोषणा से यकीनन काफ़ी बल्लेबाजों ने सुकून की सांस ली होगी। शोएब आज भी मानते हैं कि उनकी जितना तेज गेंद अभी भी कोई नहीं फेंक सकता है, और ये बात काफ़ी हद तक सच भी है क्योंकि उनके द्वारा फेंकी गई 161.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा है। Is the video over? I don't want it to, but oh God, so inspiring. Look, इतनी गरीब फैमिली से वो ताल्लुकात रखते थे कि उनकी एक बार छत ढह गई थी पानी के अंदर बारिश आने की वजह से। और when we look at our lives ना, अभी आप फोन देख रहे हैं, इसका मतलब you are privileged, आपके पास बहुत सारे resources होंगे, you can work things out, right? तो अपन चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी dedication देखो, he was flat footed, मैंने कोई भी flat footed athlete नहीं देखा है दुनिया में। इनफैक्ट मैंने गूगल तक पे सर्च करा था बट आई रिसीव्ड नो नेम एक्सेप्ट शोएब अख्तर। सो hats off टू दिस guy। उनको जॉइंट्स में प्रॉब्लम थी, वो चल नहीं पाते थे काफी उम्र तक, काली खांसी हो गई उन्हें बचपन में, और फिर भी ही इज मतलब वो जो बैटल ग्राउंड में उन्होंने ना जीत हासिल कर ली, फतेह हासिल कर ली। सो दिस इज व्हाट मैटर्स मैन। कितनी भी हार्डशिप्स फेस करी पर उनको सक्सेस चाहिए थी तो ही गेन्ड इट। वाओ मैन, यू नो आई डोंट नो व्हाई बट आई हैड टीयर्स इन माय आईज व्हाइल वॉचिंग दिस बायोग्राफी। मतलब एक एक खुद से अंदर से आंसू आ रहे थे ये सोच
के कि कितने सारी तकलीफों से गुजरे हैं ये, तब जाके इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और जितने भी बड़े आर्टिस्ट या लेजेंडरी लोग होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं ना, उन हार्डशिप से गुजरना ही पड़ता है। इवन दो आपके पास पैसा भी हो ना, तो भी बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी मुश्किलें आती है रस्ते में, पर उन सबको फेस करके ना, उनसे लड़ करके अगर अपन चलते रहे, आगे चलते रहे, तो अपन एक दिन जीत ही जाते हैं जिंदगी का गेम। सो डू यू ऑल्सो वॉन्ट टू विन? जस्ट बी कंसिस्टेंट। आप कंसिस्टेंटली यू नो करते रहो अपने ड्रीम्स के लिए रोज मेहनत, और वन डे यू विल विन, दैट्स अ गारंटी। मैं लिख के दे सकती हूँ यार स्टैम्प पेपर पे, क्योंकि मैं भी रोज अपने सपनों के लिए मेहनत करती हूँ। मुझे पता है मेरी फैमिली मेंबर्स भी बहुत ज्यादा कर्मठ हैं, अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं, अच्छे लोगों को सुनते हैं। बहुत सारी चीजें आपके रास्ते में आएंगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी, पर आप उनकी मत सुनना। जस्ट बी हैप्पी, फन करो लाइफ में, एंजॉय करो, और कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। दिस इज किलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अगर मेरी मोटिवेशनल बातें आपको अच्छी लगी तो, और आपको हंसी चाहिए, थोड़ी सी खुशी चाहिए जिंदगी में, तो उधर मुझे फॉलो करिएगा। तो यही बोलना है कि अपन मिलते रहेंगे रोज रोज, है ना। आर यू माई फ्रेंड? आई कंसिडर यू एज माई फ्रेंड। ओके, बाय, लव यू।